नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। हेमा मालिनी 73 साल की हो गई हैं। वे 16 अक्टूबर 1948 में तमिलनाडु में पैदा हुई थी। धर्मेंद्र के साथ उनकी लव स्टोरी के किस्से आज भी काफ़ी मशहूर हैं। धर्मेंद्र हेमा की पहली मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान वर्ष 1965 में हुई थी। तब तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो चुके थे और हेमा एक ही फिल्म में अभिनय कर पाई थी जो फ्लॉप रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। हालांकि उनका प्यार परवान चढ़ा फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान और 1980 में दोनों ने शादी कर ली थी। एक रियलिटी शो में शरीक हुई हेमा ने एक सवाल के जवाब में बताया था, जब नासिक में फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग चल रही थी तब धर्मेंद्र को मैं जठ यमला पगला दीवाना गाने पर डांस करते हुए देखा। उनका वो डांस देख मैं उन पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। हेमा का दक्षिण भारतीय परिवार इस प्यार से बिल्कुल खुश नहीं था। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे, दूसरा वो पहले से ही शादीशुदा थे, इस वजह से उन्हें हेमा से चोरी छिपे मिलना पड़ता था। कई बार हेमा के परिवार से कोई न कोई शूटिंग सेट पर आ ही जाता था, इसीलिए मिलना और भी मुश्किल हो जाता था। वे दोनों शूटिंग के बाद बाहर भी नहीं मिल पाते थे। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह के पहरे के बीच शूटिंग किया करते थे। धर्मेंद्र ने इसका एक नया तोड़ निकाला। जिन जिन फिल्मों में वो हेमा मालिनी के साथ शूटिंग कर रहे होते उन फिल्मों के कैमरामैन को पटा लेते। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार हों इसके लिए वो कैमरामैन से कह देते कि शॉट को एक बार में ओके नहीं करना। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई और वजह बता देता। धर्मेंद्र ने इसका भी एक कोड वर्ड बनाया था, जब सीन को रीटेक कराना होता तो वो हौले से अपना कान छू लेते। इसी तरह जब उन्हें सीन को ओके करना होता वो अपनी नाक को सहलाते। इस तरह वो हेमा के साथ लंबा वक्त बिता पाते थे। हेमा की शादी उनके भाई के घर से हुई थी। यह तमिल वेडिंग थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही इसी तरह से शादी करना चाहते थे। धर्मेंद्र के पिता केवल कृष्ण सिंह हेमा और उनकी फैमिली को बहुत पसंद करते थे। हेमा की बुक में बताया गया है, केवल कृष्ण सिंह देओल अक्सर चाय पर पिता और भाई से मिला करते थे। इस दौरान वे पंजे भी लड़ाया करते थे और उन्हें हराने के बाद मजाक करते हुए कहते थे कि तुम लोग घी मक्खन लस्सी खाओ, इडली और सांभर से ताकत नहीं आती। इसके बाद वे खूब हंसते थे। हेमा की बुक में धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर के साथ उनके रिश्ते का जिक्र भी किया गया है। हेमा के मुताबिक धर्म जी की मां सतवंत कौर बहुत ही अच्छी महिला थी। मुझे याद है कि एक बार वो मुझसे मिलने जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में आई थी। उस वक्त मैंने ईसा को कंसीव किया था। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई थी। हेमा ने एक इंटरव्यू में कहा था, भले ही मैं कभी प्रकाश कौर के बारे में बात नहीं करती लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरी बेटियाँ भी धर्म जी की फैमिली का बहुत सम्मान करती हैं। दुनिया मेरी लाइफ के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं लेकिन यह दूसरों को बताने के लिए नहीं है। इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।